अच्छा जी, जब से YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं ना, तो अजीब अजीब से ही मसले सामने आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और प्रिंट के मसले के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ही हम एक प्रिंट निकालते हैं तो हर प्रिंट के साथ जो है वो एक ब्लैक कलर की लाइन जो है वो ना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको प्रिंट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि वो ब्लैक लाइन जो है वो कौन सी है और किस रुख पे आती है। वैसे तो आपने जो वो वीडियो प्ले करने से पहले पहली तस्वीर में भी देख लिया होगा कि वो कौन सी तस्वीर है, सॉरी कौन सी वो लाइन है जो प्रिंट के ऊपर आ रही है। तो ये एक नंबर वाले खाने में पेपर, अच्छा ये अब मैं ये पेपर चला रहा हूँ। तो जैसे ही ये प्रिंट बाहर आता है तो आप देखेंगे कि ये साइड पर जो है ना वो एक ब्लैक लाइन जो है वो आना शुरू हो गई है, जो कि स्कैनर की भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके एलडी यूनिट से भी कापियाँ निकाल के चेक की हैं तो उसका भी कोई मसला नहीं था और इसके बाद स्कैनर का भी कोई नहीं था। अब जैसे ही मैंने अब इसके मशीन का जो चार्जर जब खोला था तो ये चार्जर के अंदर से इसकी जो आ रही है उसके दंदे जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो मैं ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये शॉर्ट शॉर्ट मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई बंदा है नहीं, इसलिए यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें कि इसके जो चार्जर की आरी है और चार्जर की आरी के जो दंदे हैं वो टूटे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो दोनों जो आरी हैं वो दोनों साइडों से यहाँ से देखें कि दंदे जो हैं वो टूटे हुए हैं और सेम जो है वो इसी जगह से प्रिंट जो है वो इसी जगह से ब्लैक लाइन जो है वो आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आरी के सारे दंदे अगर टूटे हों तो फिर तो ये सारे हर साइड से जो है वो पूरा पेज ही जो है वो ब्लैक आना शुरू हो जाएगा। जिस जगह से या जिस एरिया से जो है वो ब्लैक आरी के दंदे टूटे हुए हैं उसी जगह से वो प्रिंट आना बंद हो गया। अब इसके आरी के ये जो दंदे हैं ये मैंने आरी पूरी जो है वो नहीं डाल दी है, अब इसके ऊपर मैंने चार्जर की ये जाली भी लगा दी। अब इसको ड्रम के अंदर फिट करके आपको मैं प्रिंट चेक करवाता हूँ कि अब जो है वो वाला मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये इसकी पुरानी आरी है जो कि जिसके दंदे जो थे वो टूट गए थे। वैसे तो अगर ये आरी जो है वो अगर आप साफ़ करना चाहें तो इसकी वो कंप्लीट वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, उसकी वो वीडियो जो है वो भी मैं इस वीडियो के साथ जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप जो है वो भी देख सकते हैं कि आरी को जो है वो साफ़ कैसे करते हैं। तो अब जो है वो प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब वो वाला मसला कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी ये मशीन थोड़ी वार्म अप हो रही है, जैसे ही ये रेडी होकर कापी निकालती तो मैं आपको ये मल्टी लगा के भी चेक करवा देता हूँ और वैसे भी मैं आपको जो है वो सिंगल पेज भी चेक करवा देता हूँ कि अब जो है वो पेज के ऊपर जो है वो ब्लैक लाइन हरगिज़ नहीं आ रही। अच्छा, कोशिश किया करें कि हर वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि जब आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और जब मैकेनिक कहा कि आपसे 1500 से 2000 रुपये लेके जाता है इसी फॉल्ट के जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर आप कहते हैं कि अगर हमने वीडियो पूरी देखी होती तो शायद ये वाला छोटा सा मसला जो मैकेनिक करके गया वो शायद हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये देखें कि अभी जो है वो कोई प्रिंट के ऊपर लाइन नहीं आ रही, बिल्कुल ओके है, और ये जो ब्लैक सा डब्बा है ये ओरिजिनल प्रिंट के ऊपर है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो जो है वो प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपको सही जो है वो फॉल्ट की और सही बात की जो है वो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो उस बात का जो है वो आपको पता चल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।